चौरी नगर में पदस्थ मनरेगा अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर हीरेंद्र सनोरिया को उनके 3 वर्ष के कार्यकाल के पश्चात दी गई भावपूर्ण अंतिम विदाई। ये कार्यक्रम डोंगर देव प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर में विदाई समारोह का एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। इस विदाई के कार्यक्रम में चौरई जनपद के सभी रोजगार सहायक सचिव एवं सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जिसमें चौरई SDM ओम प्रकाश सनोरिया, चौरई जनपद CO JS ठेपे, बिछुआ जनपद को ममता कुलस्ते और जनपद अध्यक्ष वीरपाल एवनाती सहित सभी चौरई के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में सभी रोजगार सहायक और सचिव द्वारा उनका फूलमाला द्वारा भाव विभोर होकर अंतिम विदाई दी गई और सभी ने अपना मंच संचालन कर 2 शब्दों में उनको अपनी बात रखी और कहा कि इस प्रकार के अधिकारी हर जनपद तहसील में होना चाहिए, जिन पर अभी तक कोई भी आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा है और अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कार्य को करते हुए स्थानांतरित हुए हैं और वो एक प्रेरणा है सभी अधिकारियों के लिए, जो इस प्रकार के सराहनीय कार्य को करते हुए समाज सेवा और अपने कार्य के प्रति निष्ठावान रहे। इस विदाई समारोह को लेकर जब हमारे संवाददाता ललित रघुवंशी ने मनरेगा अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर हीरेंद्र सनोडिया से बात की तो उनका क्या कहना था? वो अच्छा नहीं है, यदि आप अच्छे हो तो आपके साथ के समस्त लोग अच्छे हैं। कोई काम किसी एक के साथ नहीं होता है, एक के माध्यम से नहीं हो सकता है, वो तो पूरा एक यूनिट है, टीम वर्क है और वो यहाँ पर कूद कूद कर भरा है। प्रोग्रेस अपनी जगह है, आंकड़े अपनी जगह है, मगर यहाँ पर कोई भी संगठन हो, चाहे सचिव संगठन हो, रोजगार सहायक संगठन हो, हमारा जनपद का परिवार हो, पूरा स्टाफ हो, यदि कभी कोई घटना घटती है या कोई चीज होता है तो सब एकजुट एक लाइन से खड़े होते हैं। यही तो परिवार है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक परिवार में कम ज्यादा, कोई कम अकल का होगा, कोई ज्यादा अकल का होगा, कोई एक ज्यादा पैसा कमाता होगा, कोई एक कम पैसा कमाता होगा, लेकिन चूंकि सब लोग एक साथ हैं तो ही वो एक परिवार है। सब अलग अलग हो जाएंगे तो वो परिवार नहीं है। यही हमारा जनपद चौरी परिवार है। यहाँ पर हमेशा हर एक लोग एक दूसरे के लिए तत्पर रहता है, हमेशा खड़ा रहता है और हमेशा एक दूसरे के लिए अच्छा सोचता है। सर आपका नाम और पूरा परिचय? मैं डॉक्टर हीरेंद्र सनोडिया जी, वर्तमान में EPU हूँ, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी जी सर। अभी अभी मेरा स्थानांतरण जनपद चौरई से ट्यूनिंग हुआ है जी। आज यहाँ पर मेरा विदाई समारोह रखा गया था जी। मुझे बड़ा हर्ष का विषय है कि जनपद परिवार, ये एक हमारा जनपद चौरी परिवार की तरह हम लोगों ने काम किया है जी। और अच्छे से काम किया है, सभी सचिव रोजगार सहायक साथियों ने मेरा बहुत सहयोग किया है जी। और इन लोगों ने आज मेरा विदाई का कार्यक्रम रखा है। कितने वर्ष आप यहाँ पे पदस्थ थे? मैं लगभग 3.5 वर्ष में यहाँ पर पदस्थ रहा जी और काफी अच्छा समय यहाँ पर बीता है। सभी लोग बहुत मेहनती हैं और जो भी लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया है उसको पाने के लिए सभी लोग प्रयास। चौरी क्षेत्र में आपने 3 वर्ष जो कार्य किया है उसमें आपको ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ जो प्रमुख समस्याएं लगी जिनका निराकरण होना आवश्यक है? समस्याएं तो क्षेत्र में कम है क्योंकि संपन्न क्षेत्र है, लेकिन हम लोगों का की निरंतर यही कोशिश रही है कि एक एक परिवार जो लाभान्वित हो सकता है उसको हम लोग लाभ दें। हमारे सचिव रोजगार सहायक साथी भी इसी कड़ी में सभी मेहनत करते हैं और निरंतर ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं जी। अभी जो बाढ़ आई थी, बीच में बाढ़ प्रभावित बहुत सारे ग्रामीण रहे, उस विषय में आपने काफी सराहनीय कार्य किए, उस विषय में आपका क्या कहना है? जो जी बिल्कुल, बाढ़ एक चूंकि ऐसी आपदा थी जो बिना बताए हमारे समक्ष आके खड़ी हुई थी जी। लेकिन हमारे सभी साथियों के सहयोग से हमने जो लगभग 24 गांव प्रभावित हुए थे, एक एक घर में जाकर जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं थी, खाने पीने का सामान, बर्तन और इवन मकान जो अभी बन रहे हैं और कैटल सेट हमने नरेगा योजना से जो बनाए हैं उसमें निरंतर हमारे साथी लगे हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं कि उनके दुख को हम कम, मतलब खत्म तो नहीं कर सकते और कुछ बुलाने की उनकी प्रयास कर रहे हैं। अभी स्थानांतरण आपका कहाँ हुआ सर? सिवनी जिले में हुआ है, सिवनी मूल जनपद मुझे मिलेगी जी। जी थैंक यू सर, धन्यवाद जी। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।